सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संत रविदास जयंती पर कल जहां एक और नगर निगम के बाहर बैठे चर्मकारों को मिठाई खिलाई, शाल श्रीफल से उनका स्वागत किया, उनकी समस्याएं पूछी और उनकी समस्याओं के संबंध में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को जसवाड़ी रोड स्थित कार्यक्रम जो संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था, वहाँ पर मंच से ही कलेक्टर को उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए थे। आज खंडवा के सभी वकीलों ने कोर्ट परिसर में बाल किशन बर्क ने, जिन्हें सभी वकील प्यार से बालू काका कहकर बुलाते हैं, दरअसल ये कई सालों से खंडवा के वकीलों के जूते चप्पल सिलने के अलावा पॉलिश का काम करते हैं और वकील में ही वकीलों की ही सेवा करने का काम करते हैं। वकील भी इनकी रोजी रोटी में कोई कमी ना आए इसको लेकर सपोर्ट करते हैं। आज सभी वकीलों द्वारा बाल किशन काका का स्वागत किया गया और उन्हें शाल श्रीफल के अलावा आर्थिक मदद भी दी गई। बाल किशन बरकने ने सभी वकीलों द्वारा दिए गए इस सम्मान पर बहुत आभार व्यक्त किया और वह भावुक भी हो गए। उन्होंने बताया कि 12-15 साल की उम्र से ही वह खंडवा कोर्ट में पहुंच गए थे और लगातार वहां के वकीलों की सेवा कर रहे हैं। कई वकील रिटायर हो गए और नए वकील की भी वह सेवा करने का काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करके खुशी मिलती है, वो उनका परंपरागत काम है और काफ़ी सालों से वह खंडवा के वकीलों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वकीलों द्वारा दिए गए सम्मान पर वह भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा सम्मान पाकर उनका जीवन धन्य हो गया, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और इस सम्मान के लिए उन्होंने सभी वकीलों का आभार भी व्यक्त किया। हमारे काका बालकृष्ण जी का आज हम लोगों ने सबने मिलकर बालकृष्ण जी का सम्मान किया है और हम लोगों की उम्र भी नहीं है जितनी उनकी यहाँ पर आज कार्य और सेवा करते समय अवधि हो चुकी है। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने मिलकर, अधिवक्ताओं ने आज उनका सम्मान का आयोजन रखा था।